नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज बिहार में। गिरिराज सिंह और विवाद, इन दोनों का चोली दामन वाला रिश्ता हो गया है। जब भी गिरिराज सिंह ट्विटर पर कुछ कहते हैं या मीडिया में जाकर अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद राजनीति गर्म हो जाती है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। खैर, गिरिराज सिंह इस बार अपने एनडीए के घटक दल के निशाने पर चढ़ गए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावत इफ्तार को लेकर तंज कसा था और ट्विटर अकाउंट पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर पर हुए दावत इफ्तार पार्टी की तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा था, जो अब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। गिरिराज के तंज को लेकर जेडीयू ने पलटवार किया है। दरअसल जेडीयू नेता व बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए सीधे सीधे कह दिया है कि गिरिराज सिंह की इतनी हैसियत नहीं है कि वे हमारे नेता नीतीश कुमार को कोई नसीहत दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही गिरिराज सिंह हैं जो चुनाव के वक्त नीतीश जी को 10 बार फोन करते थे और अपने पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया करते थे। उन्होंने कहा कि आज भले ही गिरिराज सिंह 4.5 लाख वोट से जीतकर संसद पहुंचे हैं और मंत्री बन गए हैं, पर ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार की देन हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि गिरिराज सिंह की अनाप शनाप बयानबाजी की आदत है और वे तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वे अपने आप को बड़ा हिंदू नेता बताने के चक्कर में बहुत कुछ बोल जाते हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के घर पर हुए दावत इफ्तार पार्टी की तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पे फलहार का आयोजन करते हुए सुंदर सुंदर फोटो डाले जाते। अपने धर्म कर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे क्यों बढ़ जाते हैं। साफ तौर पर अशोक चौधरी ने गिरिराज सिंह को उनकी हैसियत बताई है। जरूरी जानकारी देते चले कि गिरिराज सिंह नवादा से सांसद थे। 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन जब उनका लोकेशन बेगूसराय कर दिया गया था, उसके बाद वो नाराज हो गए थे। कहीं ना कहीं ये नाराजगी कन्हैया कुमार के वजह से थी, क्योंकि कन्हैया कुमार अक्सर गिरिराज सिंह के हिंदुत्व एजेंडे को आड़े हाथ लेते थे, लगातार गिरिराज सिंह पे तंज कसते थे, उनकी बातों में कोई दो टुक कन्हैया लेते रहते थे, जिससे गिरिराज सिंह बेहतर जानते थे कि आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बेगूसराय में वोटिंग होगा तो उन्हें जीत में दिक्कत होगी, और यही कारण था कि वो लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। अब जब नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि आप चुनाव लड़ें, आपके प्रचार में पूरी जेडीयू मदद करेगी, उसके बाद गिरिराज सिंह ने नॉमिनेशन किया था। खैर, उन्होंने जीतन राम मांझी के घर हुए दावत इफ्तार की भी तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखा रही है गिरिराज सिंह में, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बुलाया था अपने जेडीयू के इफ्तारे पार्टी में, उसी तरीके से आमंत्रित किया था जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को, और कहा था जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कि अगर गैर भाजपाई दल महागठबंधन में आ जाते हैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त दी जाएगी। अब यही कारण है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के घटक दल में नीतीश कुमार का मिलजोल ज़्यादा बढ़ना खतरे की घंटी दिखा रहा है बीजेपी को, और जिस तरीके से बीजेपी के बचाव में हर वक्त गिरिराज सिंह सामने आते हैं, ऐसे में गिरिराज सिंह का ये ट्वीट अब गिरिराज सिंह पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह तीर की तरह जेडीयू उन पर निशाना साध रही है और तीर मार रही है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा, और भी नए खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।